Hello students, cell representation. Now there is a मैंने यहाँ सेल डाइग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें मैंने एक बीकर बनाया है और इसमें जिंक रॉड डिप किया हुआ है एंड दिस जिंक रॉड इज डिप्ड इन इट्स ओन इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 एंड इट मीन सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ आयंस हैं और SO4 2- आयंस हैं। यहाँ पे प्लैटिनम कैथोड पे मैंने प्लैटिनम लिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे एनोड है, उधर मैंने जिंक है। दिस प्लैटिनम रॉड और इसके सरफेस पे क्लोरीन गैस है, देन सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस है। तो जनरली किसी भी रॉड को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो यू कैन से कि जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेड एंड क्लोरीन गैस इज इन विद एनी ऑफ इट्स सॉल्ट लाइक NaCl। अब एनोड, एज वी नो दैट एलिमेंट विच हैज़ हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो रिड्यूस हो जाता है और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। अगर जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो वो अपने से हायर वाले रिडक्शन पोटेंशियल से कंबाइन हुआ है तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो रिड्यूस होता है। तो एज यू ऑल नो दिस, नाउ जस्ट फ्रॉम सेल रिप्रेजेंटेशन वी नो दैट कि जिंक रॉड है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है और क्लोरीन गैस का रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 वोल्ट है। इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो रिड्यूस होगा, इसका कम है तो ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे वैसे तो देखिए लैटिस होता है हमेशा मेटल में और उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाई इलेक्ट्रॉन्स एट मेटल सरफेस? बिकॉज मेटल्स हैज़ वेरी हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसलिए अब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे ये हो सकता है कि जिंक पॉजिटिव आयन यहाँ से कैटायन को अट्रैक्ट करे और इलेक्ट्रॉन्स को मेटल रॉड में ही रहने दे। तो इसका ये मतलब है कि, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेटल रॉड ने जिंक आयंस Zn2+ आयंस सॉल्यूशन में पुश किए तो धीरे धीरे मेटल रॉड का साइन नेगेटिव होता गया विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। यही रीज़न है कि एनोड का साइन नेगेटिव होता है। अगर आप देखेंगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ कैथोड पे क्लोरीन है, क्लोरीन गैस Cl नेगेटिव आयन, तो एज कैथोड पर रिडक्शन होगा तो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जैसे ही क्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसमें चेंज हो जाएगा? Cl नेगेटिव आयन में, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इट बिकम्स पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। यही रीज़न है कि कैथोड का साइन पॉजिटिव होता है। अगर सेल का रिप्रेजेंटेशन हम करें तो मैं आपको बोलूँगा सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि आपको रास्ते में जो चीज़ मिलती जाए वो लिखते चले जाइए एंड वी स्टार्ट फ्रॉम एनोड। बस इसमें आपको यही याद रखना है कि सेल रिप्रेजेंटेशन में हम एनोड से शुरू होते हैं और कैथोड पे एंड करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं सपोज़ एनोड से, तो जैसे ही आप एनोड से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है जिंक रॉड, सॉलिड जिंक रॉड, तो आप उसे लिख लेंगे। फिर ऐसे ही जैसे आप जिंक रॉड से सॉल्यूशन में आए तो सॉल्यूशन में आपको Zn2+ आयंस मिला तो आपने Zn2+ आयंस लिख लिया। सल्फेट आयंस भी है बट जो मेटल ऑक्सीडाइज या रिड्यूस है हम उसके साथ कंसर्न रहेंगे। फिर जो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर है। अब आप सोल्यूशन में घूमते हुए आए तो आपको सॉल्ट ब्रिज मिला तो अब आप सॉल्ट ब्रिज का सिंबल बना लेंगे कि यस इट इज़ ब्रिज। आगे पुल है, हाँ ध्यान रखें आप सिंबल बनाएंगे लेकिन उसमें सॉल्ट ब्रिज के आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लिखेंगे। सॉल्ट ब्रिज में KCl या KNO3 होता है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आयंस बढ़ रहा है तो नाइट्रेट आयंस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन आके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है सेल को न्यूट्रल रखने के। अब आप सॉल्ट ब्रिज से घूमते हुए जब सॉल्यूशन में आए तो आपको Cl नेगेटिव आयन मिला जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C2 मोलर। फिर आप सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव आयन मिला तो आप जब रॉड की तरफ इलेक्ट्रोड कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ गए तो आपको क्लोरीन गैस मिले। नाउ आपने क्लोरीन गैस लिख लिया। अगर इसका कोई प्रेशर मेंशन है तो प्रेशर लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो P1 एटमॉस्फेयर सपोज इसका प्रेशर। फिर आप क्लोरीन गैस से थोड़ा और आगे गए तो आपको प्लैटिनम सॉलिड मिला। तो इस तरीके से आप सेल रिप्रेजेंट करते गए। आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया आपने और राइट हैंड साइड पे एंड किया और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने किसे लिखा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था और ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसे क्या बोलते हैं? एनोड। और एनोड का साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़न आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट हैंड साइड पे होता है, एनोड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक वर्ड याद कर लीजिए, लोन। L फॉर लेफ्ट हैंड साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। तो इससे आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो मैं फिर बताता हूँ कि कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि इधर राइट हैंड साइड पे उसे लिखना है जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो उसे पहले लिखना है, Cl नेगेटिव को बाद में लिखना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इस तरीके से लिखना है जो सॉल्यूशन में। फिर इन सम बुक्स लिखा है आप कुछ भी पहले लिख सकते हैं, नहीं। अब आप देखिए, प्लैटिनम वायर आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, नहीं तो आप मेरा वीडियो देखिएगा इस पर, कि उसमें प्लैटिनम पाउडर की कोटिंग होती है बिकॉज इट कैन एड्जॉर्ब गैसेज और लिक्विड्स ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि उसका एड्जॉर्प्शन पावर बढ़ाने के लिए, तो क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस होता है, सो दैट कि क्लोरीन गैस और क्लोराइड आयन में इक्विलिब्रियम मेंटेन रह सके। इसीलिए तो सॉल्यूशन में आपको Cl नेगेटिव आयन मिल रहा है और जस्ट प्लैटिनम सरफेस के ऊपर आपको क्लोरीन गैस मिल रही है। तो दैट इज़ आवर सेल रिप्रेजेंटेशन वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड एंड एट कैथोड। तो जिंक आयंस हमेशा कंसनट्रेशन आयंस की लिखते हैं बिकॉज प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होती है। थैंक यू।